कि जब आप सोने जाओगे तो आप एक सुकून में हो कि जो लाइफ में पाना था वो अचीव कर लिया, अब बस इसको अच्छे से आगे बढ़ाना है। ये सेटिस्फेक्शन अभी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन आपको गवर्नमेंट टीचर में मिल सकता है। ये बात जानते हैं आप लोग? तो इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों से, अभी भी समय है, आप अभी से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल चांस है कि आप एक अच्छा एग्जाम निकाल के इस साल के एंड तक आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? पक्का समझ में आई? आवाज नहीं आई, पक्का समझ में आई? चलिए देखते हैं। ओके, ये सब सिलेबस है आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग इसमें बहुत एक डिटेल वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप YouTube पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा। आपने हमसे कांटेक्ट किया तो हम WhatsApp पे आपको लिंक शेयर करेंगे, वहां पे कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस है कि CGTET और शिक्षक वृत्ति का सिलेबस क्या है और दोनों की तैयारी एक साथ कैसे की जा सकती है। ओके, आगे बढ़े। ओके, अब आती है बात प्रिपरेशन की, तैयारी की कैसे जाए। देखिए, तीन मोड होता है इसकी प्रिपरेशन का। सबसे पहला होता है सेल्फ स्टडी। आपके पास समय है, अगर आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे दिन के दे सकते हैं तो मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी करिए। आपके पास बुक्स हैं, आपको पता है बुक्स आपको दुकानों में मिलेगी, नहीं समझ में आएगा आप हमसे आके पूछें, आप घर पे बैठ के पढ़ाई करें। 6 से 7 घंटे की टाइम है आपके पास तो आप अपने सेल्फ स्टडी कीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, आप ध्यान सुनना लो। वेलोसिटी एजुकेशन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो हमने बनाया हुआ है। इस ऐप में हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देंगे, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे होगा, अभी आपके पास मोबाइल फोन होगा तो मैं आपको अभी बता देता, बट अभी सिंस आप लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। आप जाने के बाद घर पे CGTET क्वालिफाई हो गया, व्याकरण का एग्जाम निकल गया, आप गवर्नमेंट टीचर बन गए, या क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो हो रहा था वही होते आएगा, या तो जैसा कल था वैसे आज था वैसे कल भी देगा। हमेशा कहा गया है कि आज तक जो हमेशा किए हो आगे भी वही किया, तो आज तक जो मिला था आगे भी वही मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो अब ये आपके ऊपर कि आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। जब मैंने आपको सबसे पूछा था कि आप में से कितनों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मुश्किल से 5-6 लोगों ने, 1-2 लोगों ने हाथ खड़े किया था, है ना। ऐसा पता है क्यों हुआ था? क्योंकि बारात में दूल्हा एक ही होता है, बारात ही बहुत होती है। देखा आप लोगों ने, शादी स्कूल में आते थे, पता है तुम लोग ये पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, हम लोग भी हाँ हाँ सही कह रहे, सही बात है, सही बात है। वहां से निकले, जैसा हम अगले पोस्ट से मिले, खत्म, क्या बताया, सब कुछ वाइप आउट हो गया। उसके बाद वापस अपनी दुनिया में, भाई प्ले स्टेशन खेलना है, भाई स्टेडियम चलना है, वापस वही हो गया। लेकिन उस समय हम बच्चे थे तो वो चल गया था। आप भाई, आप बच्चे हैं क्या? आप में से कितने जो अभी भी अपने आप को बच्चे मानते हैं? क्योंकि ये बच्चों का काम नहीं है। देखिए, एज ए टीचर हमारे यहाँ पे PSC की क्लासेस होती हैं, UPSC की क्लासेस होती हैं, व्यापम की क्लासेस होती हैं। कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो मुझसे भी एज में बड़े होते हैं, लेकिन मुझे उनको बच्चा कहना पड़ता है क्योंकि एक हैबिट होती है। एक टीचर के लिए स्टूडेंट हमेशा बच्चा होता है। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे आगे, बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे कितने, 35 साल की चाची और मौसी बैठी हुई है, हम उनको बच्चे बोल देते हैं। लेकिन एक बात समझना होगा, आप बच्चे नहीं हैं, क्योंकि ये बच्चों का काम नहीं है। इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा कि अप्रैल का मंथ है 2024, और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि जैसे आप लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया था, आप इस बात को समझते हैं कि डेस्टिनी, ग्रहों का नक्षत्र, ये सब भी शायद थोड़ा बहुत बिलीव करते होंगे, तो इस साल के लिए बहुत फेमस बात कही गई है। पता है आप लोगों को क्या, 2024 साल के लिए बहुत फेमस बात कही गई है कि ये साल शनि का साल है। आप ऐसे कितने लोग इस बात सोच भी क्या, क्यों आप लोगों ने ऐसे किया कि आपने फॉर्म फिलअप किया लेकिन पढ़ाई चालू नहीं किया? क्या आपको पता है 3 साल बाद ये एग्जाम अभी हुआ है, अगले साल होगा कि होगा नहीं पता? टाइम मैनेजमेंट किसने कहा? टाइम मैनेजमेंट कोई जवाब नहीं है। नहीं, मैं चाहूंगा कि आपसे कोई भी जवाब मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए, बिना पढ़ाई किए तो आज तक कोई एग्जाम नहीं निकला है। कि कंपटीशन का एग्जाम और कॉलेज के एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है। कॉलेज के एग्जाम में क्या होता है, 50 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं,
स्कूल में 1 से 5th की जो बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है सहायक शिक्षक। ओके, अब सहायक शिक्षक के लिए क्या चाहिए? आपका सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? आपका 12th पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है, लेकिन 12th पास है तो भी आपका काम चलेगा। 12th पास के अलावा क्या होना चाहिए? डीएड है तो भी चलेगा, बट डीएड मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो होना चाहिए। इसके अलावा सबसे काम की चीज CGTET। सुना आप इस एग्जाम के बारे में? सुना कभी आप लोगों ने? क्या आप लोगों को पता है कि पिछले 3 साल से CGTET का एग्जाम नहीं हुआ था और अभी ये होने वाला है? आप लोगों ने फिलअप किया फॉर्म? पढ़ाई चालू किया? कितने लोगों ने चालू किया पढ़ाई? CGTET की पढ़ाई आप ऐसे कितनों ने चालू किया? बस अच्छा आप एक मिनट, आप लोग मुझे पहले बताओ कि CGTET का फॉर्म किस किस ने भरा हुआ है? टीचर बनना चाहते हैं, आई थिंक शिक्षक तो आप सभी बनना चाहते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा आप में से अभी फर्स्ट ईयर के कौन से कितने बच्चे हैं? ओके हाफ यहाँ पे। सेकेंड ईयर के कितने बच्चे हैं? ओके आप लोग सेकेंड ईयर के। ओके तो जितने भी लोग बीएड वाले हैं या जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, मैं मानता हूँ कि सबसे पहला चॉइस होगा आपका कि आप एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहेंगे। आप में से सभी सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, है ना? तो अभी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो आपके इस रास्ते में बहुत काम आने वाला है। ओके चलिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, 10 साल से मैं भी एक शिक्षक ही हूँ। नाम मेरा सुमित श्रीवास्तव है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। मैंने इंजीनियरिंग किया था मैकेनिकल से, इसके बाद मैंने एमटेक किया, गेट क्वालिफाई किया, कॉलेजेस में पढ़ाया, कोचिंग्स में पढ़ाया। अभी अंबिकापुर में वेलोसिटी एजुकेशन नाम से एक कोचिंग है, शायद आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, कुछ जानते होंगे कुछ नहीं सुने होंगे, तो आज आप समझ जाएंगे। तो वेलोसिटी एजुकेशन में मैं यहाँ पर टीचिंग का काम करता हूँ। हमारे यहाँ पर कई क्लासेस होती हैं जहाँ पे हम कई चीज़ें हैं जो अंबिकापुर में अवेलेबल नहीं है जो मैं लेके आया हूँ। ओके अब आते हैं मुद्दे पे। आप लोगों को में से किस किस को ये बात नहीं पता है कि गवर्नमेंट टीचर के लिए शिक्षक भर्ती का एक एग्जाम आने वाला है जो व्यापम लेने वाला है? क्या आप में से कोई है? किस किस को पता था? किस किस को पता है ये बात? आप सबको पता है? ओके चलिए, आप में से कितने लोग हैं जिसने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, जिसने पढ़ाई चालू की इसके लिए? बस एक, हाँ आया था मुझे हाथ दिखाई दिया था, एक दो लोग। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चालू किया पढ़ाई? ओके हाथ नीचे, बहुत बढ़िया। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो इस शिक्षक भर्ती के एग्जाम को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं? चाहे तो बहुत बड़ी बड़ी होती, दिक्कत यही होता है। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, पता है ये चीज मैंने यहाँ पे सबसे पहले नोटिस किया। मैं मतलब छत्तीसगढ़ में रायपुर हो गया, भिलाई